प्रियंका चोपड़ा की कजन और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आपसे कुछ ही देर में सगाई करने जा रही हैं। परिणीति और उनके घर वाले राघव के घर दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। परिणीति का घर भी दुल्हन की तरह सजाया गया, चारों तरफ से लाइट्स की रोशनी से जगमगा रहा परिणीति का घर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। लोग परिणीति को बधाइयां दे रहे हैं, शादी की अपडेट भी पूछ रहे हैं और परिणीति राघव मुंह बंद करते हुए निकल जाते हैं। हालांकि अभी तक इस जोड़ी ने अपने रिश्ते के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा और चोरी छुपकर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हो सकता है कि इसी महीने परिणीति और राघव शादी कर रहे हैं। हो सकता है अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए परिणीति और राघव चोरी छुपकर शादी कर रहे हैं ताकि बात का बतंगड़ ना बने। प्रियंका चोपड़ा जब अचानक से विदेश से दिल्ली आई तो इस बात की जानकारी हुई। दिल्ली आते ही प्रियंका चोपड़ा ने एक खबर से सबको हिला दिया। प्रियंका चोपड़ा ने बहन की शादी के बीच एक बड़ा फैसला ले लिया। घर में शादी का माहौल था कि प्रियंका के इस खबर सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, जिसे सुनकर आपको भी झटका लग सकता है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा फिल्मी करियर को छोड़ने वाली है, ऐसा खुद प्रियंका चोपड़ा ने बताया। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उसी के दौरान प्रियंका ने बताया कि वो अपना करियर छोड़ सकती हैं अगर उनकी बेटी के लिए जरूरत पड़ा तो। जी हाँ, प्रियंका ने बताया कि वो अपनी बेटी मालती के लिए किसी भी देश में शिफ्ट हो सकती है और कुछ भी कर सकती है, अगर जरूरत पड़ी तो वो करियर भी छोड़ सकती है। अब प्रियंका ने तो अपनी बेटी के लिए कुछ सोच समझ कर ही ऐसा फैसला लिया होगा और उनकी जगह शायद कोई और माँ भी होती तो शायद यही करती। प्रियंका ने इसके पीछे की वजह भी बताई है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस खबर को सुनकर उनके फैंस का बुरा हाल हो गया क्योंकि प्रियंका के देश विदेश में ढेर सारे फैंस और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर प्रियंका ने फिल्में छोड़ दी तो फैंस का क्या होगा। वही प्रियंका के इस फैसले की बात करें तो उनके इस फैसले की वजह उनके माता पिता के संघर्ष की कहानी है। प्रियंका ने बताया कि उनके माता पिता ने उनके लिए बड़ा बलिदान कभी को दिया था, कभी को उनके लिए बड़ा त्याग दिया गया था और अभी तक मैं अपने माता पिता के इस त्याग को हल्के में ले रही थी, लेकिन अब जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे इस बात का एहसास हुआ। मैंने भी फैसला कर लिया कि अगर मुझे अपनी बेटी मालती के लिए कुछ भी करना पड़ा तो वो करूँगी। आपको बता दें, प्रियंका के माता पिता यूपी के एक छोटे से शहर में आर्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। दोनों ने प्रियंका के लिए न केवल अपना करियर छोड़ा बल्कि शहर तक छोड़ दिया था। तो प्रियंका के इस फैसले से आप कितने खुश हैं? उनके इस फैसले पर तारीफ तो बनती है। आज के टाइम में एक सेलिब्रिटी के लिए इतना बड़ा फैसला लेना छोटी बात नहीं है। आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने भी साबित कर दिया कि वो भले ही बड़े शहर में बस चुकी हैं, आज वो बहुत बड़ी हस्ती भी बन चुकी हैं, लेकिन उनकी जिस छोटे शहर में परवरिश हुई है उसकी कुछ ना कुछ छाया उन तक पहुँच ही गई है। फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक के घर में अभी अभी 3 बच्चों का जन्म हुआ तो खुशियों का माहौल था, लेकिन अचानक से ये शांति अशांति में बदल गई। अरमान और उनकी दोनों पत्नियां अपने बच्चों की देखभाल में इतनी खो गईं कि इन्हें अपने आप को टाइम देने का वक्त ही नहीं मिल रहा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से पायल की खबर ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। बल्कि पायल के साथ साथ कृतिका की भी हालत खराब हो गई। पायल कृतिका कभी किचन में बर्तन धो रही तो कभी बच्चों के डायपर चेंज कर रही हैं और आधी रात तक अरमान मलिक के घर से आवाजें आती रहती हैं। इनके पड़ोसी खूब नोटिस भी कर रहे हैं क्योंकि 3 मासूम बच्चों को संभालना आसान नहीं है। और ये सब तब ज्यादा होने लगा जब पायल कृतिका की नैनी छुट्टी पर चली गई। इस वक्त पायल कृतिका की नैनी घर पर नहीं है तो सारा काम इन दोनों पत्नियों को करना पड़ रहा है। कभी एक बच्चे को संभालती है तो दूसरी घर के सारे काम करती है। किचन में भी सामान फैला देकर पायल की हालत खराब होने लगी है। पायल इतना काम देकर बेहोश भी हो गई और वो सोचने लगी कि कैसे उनकी माँ ने 6 बच्चों को पाला था और घर के काम भी किया करती थी जबकि उनके टाइम में नैनी नहीं हुआ करती थी। और यहाँ पायल कृतिका 2 दिन में ही काम करते करते पागल हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, इनकी नींदें उड़ चुकी हैं, हालत इतनी खराब हो गई है कि पायल के डार्क सर्कल दिखने लगे हैं, दोनों की नींदें उड़ चुकी हैं, इन्हें सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, रात रात भर बच्चों की देखभाल करनी पड़ रही है, ना रात में सोती और ना दिन में। ऐसे में पायल कृतिका की हालत बस से बदतर होती जा रही है। कृतिका पायल ने अपने ब्लॉग में अपनी परेशानी शेयर की है तो कुछ लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि 1 साथ बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। वहीं दूसरे लोग बोल रहे हैं बच्चे पालने आसान नहीं होते हैं। वेल, इस मामले में आप क्या कहेंगे, क्या राय देंगे, क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।
तू चीज बड़ी है मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन वाकई बहुत बड़ी चीज निकली, जिन्होंने गाने के साथ साथ साबित कर दिया कि वो क्या चीज है। रवीना टंडन ने अपने पति को खुद कुत्ते के संग प्यार करने को कहा और फिर उनसे शादी की। जी हाँ, रवीना टंडन की शादी करने की एक ही शर्त थी और वो थी कि शादी उससे करूंगी जो प्यार करे, ना कि शादी की एक फॉर्मेलिटी पूरी करे। क्योंकि रवीना टंडन अच्छी तरह से वाकिफ है इंडस्ट्री में क्या प्यार है, क्या शादी और तलाक है। यहाँ प्यार शादी का फितूर जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है और इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी रवीना टंडन, इसीलिए उन्होंने शादीशुदा बिजनेसमैन अनिल से शादी की थी। दरअसल साल 1995 में जब रवीना ने दो बच्चियों को आधारिक रूप से गोद लिया तब पूजा 11 साल की थी और छाया 8 साल की थी। दोनों ही रवीना की कजिन की बेटियां हैं जिनका निधन हो चुका था। उस समय रवीना के लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ये फैसला करके एक मिसाल भी पेश की थी। यूं तो इस बात में कोई शक नहीं कि एक्ट्रेस रवीना टंडन एक बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ साथ अच्छी माँ है, बहू, पत्नी और इंसान भी है, जिन्हें पता है कि कैसे किसी की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा जाता है। अब बात करते हैं रवीना टंडन की शादी की शर्तों के बारे में। तो रवीना टंडन ने शादी के 17 साल बाद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने दो लड़कियों को अपनाने का फैसला किया और उन्होंने शादी के लिए कैसे संपर्क किया। बातचीत में रवीना बताती है कि मुझे लगता है कि जब आपने अपना मन बना लिया है, खुद को सक्षम होने के साथ साथ जब आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलता है तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ, बेशक ऐसे पलों में लोग हमेशा सोचते हैं कि मैं एक्स्ट्रा चीजें कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं पूरी तरह से सेट नहीं हुई थी, लेकिन मेरी हमेशा से एक ही रट थी कि अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो पहले उसे मुझसे प्यार करना होगा। मैं पैकेज डील के तौर पर आती हूँ, मुझे उससे पहले मेरी लड़कियों को, मेरे कुत्ते को, मेरे परिवार से प्यार करना होगा। यहाँ रवीना बताती हैं कि उन्होंने शादी के लिए शर्त रखी थी कि वो इंसान से शादी करूंगी जो प्यार करने के साथ साथ उनकी गोद ली हुई बेटियों का भी ख्याल रखे। रवीना ने जब अनिल को इन सब चीजों में व्यस्त देख लिया तो उन्होंने शादी का फैसला किया। उन्होंने शादी से पहले हर एक चीज नोटिस की थी। रवीना कहती थी कि वो हमारे घर की हर एक चीज को पसंद करें, हर किसी में दिलचस्पी लें। इतना ही नहीं, रवीना जानबूझकर अपने कुत्ते को अपने पति के संग लेकर जाती थी ताकि उन्हें गुस्सा आएगा तो वो जरूर इसे लाने से मना करेंगे, लेकिन उनके पति हर तरफ से बेस्ट निकले, हर रिजल्ट को पास कर लिया। फिर क्या, रवीना ने फौरन ही अनिल से शादी कर ली। बता दें, अनिल और रवीना ने 2004 में शादी की थी। उसके बाद रवीना दो बच्चों की माँ बनी, बेटी राशा और बेटा रणवीर वर्धन। इस तरह से रवीना तीन बेटियों और एक बेटे के मिलाकर चार बच्चों की माँ है। हालांकि उनकी गोद ली हुई बेटियाँ पूजा और छाया की शादी हो चुकी है, उनके खुद के बच्चे भी हैं। वही वर्क फ्रेंड की बात करें तो रवीना टंडन पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात के 100वें एपिसोड में शिरकत करने के बाद अब इस वीकेंड द कपिल शर्मा में रवीना टंडन बतौर गेस्ट बनकर आ रही है। चैनल द्वारा हाल ही में एक प्रोमो भी शेयर किया गया था जिसमें रवीना को अंदाज अपना अपना के किरदार में बात करते देखा गया। एक्ट्रेस ने आश्चर्य भी जताया कि उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर उन्होंने अंदाज अपना अपना में घुंघरेले बाल क्यों रखे थे। रवीना गुनीत मोंगा सुधा मूर्ति के साथ शो में नजर आएंगी। इसी शो में रवीना टंडन कपिल शर्मा को खुलेआम किस भी करती हैं, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।